अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वीडियो का टॉपिक आप ऑलरेडी देख चुके हैं। हम सब ये चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, जिसकी वजह से उन्हें रैशेस, ख़ास तौर पर डायपर रैशेस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ज़्यादातर केसेस में जो रैशेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जेनिटल एरिया तक ही महदूद रहते हैं, लेकिन कुछ सीवियर केसेस में ये होता है कि रैशेस ऊपर पेट तक चले जाते हैं या पूरी टांगों को कवर कर लेते हैं। अब अगर ये बात देखी जाए कि डायपर रैशेस क्यों सबसे ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली बच्चों में, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि डायपर्स की वजह से एक तो जेनिटल एरियाज हमेशा गर्म रहते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि जब पेशाब की वजह से वहाँ मॉइस्चर आ जाता है, तो जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है बिटवीन पैम्पर और बच्चे की स्किन, इसकी वजह से वहाँ रैशेज बन जाते हैं। तीन चीज़ें हैं कि एक तो गर्म होती है जगह, दूसरा है कि मॉइस्चर आ गया पेशाब से, तीसरी बात है कि फ्रिक्शन की वजह से। डायपर रैशेस बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ख़ास तौर पर जब बच्चा 1 माह से कम उम्र का होता है। जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो अभी वो 3 से 4 दिन का ही था जब मुझे पता चला था उसके रैशेज़ बन गए हैं, और उसकी मेन रीज़न यही थी कि मैंने उसे डायपर लगाना शुरू कर दिया वो जैसे ही पैदा हुआ था। दुनिया में 20% बच्चे ऐसे हैं जिनको डायपर रैशेज होते हैं जब वो 3 से 6 माह की उम्र में होते हैं। न्यू बॉर्न से लेकर 6 माह के एज तक के बच्चों में ये चीज़ पाई जाती है कि उनके अंदर डायपर रैशेज होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि अगर आपके बच्चे को रैश हो गया तो पता नहीं कितनी बड़ी बात हो गई है। अब अगर बात की जाए कि ऐसी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चों को रैशेज हो रहे हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि बच्चे को पैम्पर लगा कर माएँ अक्सर भूल जाती हैं कि पैम्पर लगाया हुआ है। पैम्पर लगा होता है तो वो 8 घंटे, कभी कभी 12 घंटे भी माएँ लगा कर छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बच्चा तो बोल के खुद नहीं बता सकता, तो जब बाद में डायपर खोल के देखा जाता है तो रैश बना होता है। और ये ज़्यादातर केसेस में तब होता है जब आप रिपीटेडली ये चीज़ होती आ रही है और बच्चे का डायपर टाइम पर चेंज नहीं किया जा रहा और चेक नहीं किया जा रहा। दूसरी बात ये है कि जब हम बच्चे को साफ़ कर रहे होते हैं, स्पेशली जब वो स्टूल पास करता है, तो जो कपड़ा हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको हम बड़ा एक रफली इस्तेमाल कर रहे होते हैं बच्चे की स्किन के ऊपर। हम सब ये चीज़ जानते हैं बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए उसको जो है बड़ा डेलिकेटली अगर आप डील करें तो ही बेहतर है। जब हम कपड़े को रगड़ते हैं बच्चे के ऊपर, जिसकी वजह से रैश बनना बहुत ही कॉमन सी बात है, जिस्म के किसी भी हिस्से पर बन सकता है। तीसरी जो बहुत बड़ी रीज़न है वो ये है कि बच्चे को बड़ा ही टाइटली डायपर बांधा जाता है ताकि कोई चीज़ बाहर ना आए। इतना टाइटली डायपर को बांधा जाएगा तो इसकी वजह से अंदर हवा कोई आ जा नहीं रही होती। पहले बच्चे के बिल्कुल स्किन के साथ डायपर लगा होता है, जिसकी वजह से रैश बनने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। बाज़ औक़ात जब स्पेशली बच्चा बीमार होता है तो थोड़ी सी लापरवाही की वजह से भी रैश बन जाते हैं, स्पेशली डायरिया के केस में। अब बच्चे को जब एक रैश होता है तो वो एक सिर्फ रैश ही नहीं होता, उसकी डिफरेंट तरह की टाइप्स हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसे किसी तरह की एलर्जी हो सकती है, यानी कि आपने किसी ऐसी कंपनी का पैम्पर यूज़ किया है जो कि आपके बच्चे को सूट नहीं कर रहा, इसकी वजह से भी बच्चे को रैश हो सकता है। मतलब कि आप सारे प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं लेकिन फिर भी बच्चे को रैश हो रहा है, तो इसकी वजह यही है कि पैम्पर जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके बच्चे को सूट नहीं किया। दूसरा जो रैश की टाइप है वो जाहिर सी बात है बच्चे को जब इरिटेशन होती है, जब उसका डायपर गीला हो जाता है ज़्यादा, तो उस वजह से बनता है। इसमें कोई एलर्जी का फैक्टर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डायपर के गीला होने की वजह से बच्चे को रैश बन गया है। जो तीसरी तरह का रैश टाइप है वो किसी यीस्ट इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। ये स्पेशली स्किन फोल्ड्स के अंदर होती है, जैसे आप देखते हैं कि बच्चे की नी जॉइंट के नीचे अक्सर रैश बन जाते हैं, या फिर उनके एल्बो जॉइंट्स पे भी रैश बन जाते हैं, अक्सर बच्चों के अंडर आर्म्स के नीचे भी रैश बने होते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमें ऐसे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिसकी वजह से बच्चे को रैशेस हो ही ना, आपने डिस्पोजेबल डायपर्स इस्तेमाल करने हैं बजाय इसके आप नैपियां इस्तेमाल करें या कपड़ा इस्तेमाल करें उसके अंदर, जिसकी वजह से गीला रहने की वजह से बच्चे को रैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चे को वही पैम्पर पहनाएं जो कि उसके साइज़ का है, बजाय इसके कि आप कोई छोटा डायपर पहना दें जिसकी वजह से टाइट हो जाता है जब इसे बंद करें, फिर रैशेज होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तीसरा ये है कि आपने अपने बच्चे का डायपर फ्रीक्वेंटली चेंज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे रखें, इसके बाद डायपर आप उतार दें, फिर नया डायपर पहना दें या फिर पहनाएं ही मत।
लेकिन 4 घंटे से ज़्यादा डायपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। चौथी बात वो लिंक्ड है तीसरी बात से ही कि जब आपने नया पैम्पर बच्चे को लगाना है तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपके बच्चे के जेनिटल एरियाज वाली जो जगह है वो बिल्कुल ड्राई हो, उसके ऊपर कोई भी गीलापन आपको महसूस ना हो रहा हो। इसके लिए आप कोई साफ़ कपड़ा लें, बजाय इसके आप पानी से रगड़ते रहें उसे, कोई साफ़ कपड़ा लें, खुश कपड़ा लें, उसको अच्छे से साफ़ करें और फिर नया डायपर लगाएं। इसके अलावा बाज़ बच्चों की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, पर ये बेबी वाइप्स या ऐसी कोई चीज़ काम नहीं करती। काम करने से मुराद है कि आप इस्तेमाल तो कर लेते हैं लेकिन बच्चे को उसके बाद रैशेज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती क्योंकि आप तो कह रहे होते हैं कि आप डायपर भी चेंज कर रहे हैं, टाइम से सारी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, तो अक्सर औकात ये बेबी वाइप्स होती हैं जो आपके बच्चे को सूट नहीं कर रही होती। इसलिए भी आप लाजमी तौर पर ये फैक्टर ज़रूर देखें कि आया आपके बच्चे को वाइप सूट कर रही है या नहीं। अगली बात यह है कि हमने अक्सर ये देखा है कि बाज़ औकात बच्चे के जेनिटल एरियाज़ को ड्राई करने के लिए माएँ पाउडर फेंक देती हैं, जो कि एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। जैसे जब डायपर गीला हो जाता है तो पाउडर उसके साथ चिपक जाता है, उसके बाद रैश बनना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो प्लीज़ आप ये पाउडर वगैरह इस्तेमाल करना छोड़ दें, इसकी बजाय आप बच्चे को ड्राई करें अच्छे से और फिर डायपर लगाएं। अब अगर हम बात करें कि सारी चीज़ें सारे प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी बच्चे को रैश हो गया है तो उसको हम किस तरह से ट्रीटमेंट करें, तो सबसे पहली बात है कि आप कोशिश करें कि उस स्टेट में डायपर लगाएं ही ना, बच्चों को आप खुला छोड़ें ताकि आपके बच्चे की स्किन ब्रीथ करे। जब आप उसे खुला छोड़ेंगे तो वो जल्दी हील होगा, बजाय इसके कि आप डायपर लगाएंगे। इसके बावजूद भी आप अपने बच्चे को डायपर लगाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप जो मार्केट में क्रीम्स अवेलेबल हैं वो यूज़ करें। हम इसको कह सकते हैं कि ये बैरियर के तौर पर एक्ट करती है बिटवीन डायपर और आपके बच्चे की स्किन, और ये मेडिकली अप्रूव्ड है। उसमें सबसे ऊपर और सबसे जो सेफ टू यूज़ है वो है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड आपको किसी भी बड़े मेडिकल स्टोर से मिलेगी, जैसे सर्वेड हो गया या क्लिनिक्स हो गया। आपकी कोई लोकल मेडिकल स्टोर है तो वहाँ से मिलना मुश्किल है, लेकिन आप फिर भी पता कर लें। अब जिंक ऑक्साइड आपको ऐसी डब्बी के अंदर मिलेगी, और ये इसके अंदर भी शॉपर है, ये बिल्कुल पेट्रोलियम जेल की तरह, और ये बड़ी अगर आप हाथ में ये आपकी आती है तो ये बड़ा एक सॉफ्ट सा इसका टेक्सचर है। जब आप अपने बच्चे की जेनिटल एरियाज़ में ये लगा देते हैं डायपर से पहले तो एक तो बच्चा हील भी बड़ी जल्दी होता है, और दूसरा ये कि बच्चे को फर्दर रैशेज़ नहीं बनते। अब दूसरी ट्रीटमेंट जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है पेट्रोलियम जेली। ये हर घर में मौजूद है और ये भी एज एन बैरियर एक्ट करती है आपके बच्चे की स्किन और डायपर में। अब जब भी बच्चे का डायपर चेंज करें, साफ़ कपड़े से उसे साफ़ करें, फिर उसके बाद उसे ड्राई करें, तो जब आप पेट्रोलियम जेल लगा देंगे तो ये भी एक हीलिंग फैक्टर ही होगा उसमें, और बच्चे के फर्दर रैशेज नहीं बनेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अब कुछ लोग जो हैं या कुछ माएँ जो हैं वो अपने बच्चे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं कैनाडेक्स, जो कि बड़ी गलत प्रैक्टिस है। ये स्टीरॉयड है इसके अंदर। जब आप अपने बच्चे पर स्टीरॉयड लगा रहे, इतनी कम उम्र का बच्चा आपकी, तो उसकी ग्रोथ जो है उसमें कमी आती है, एक रिसर्च बेस्ड बात है। और जब बच्चा आपका बड़ा नहीं होगा, बच्चे के बालों की ग्रोथ ज़्यादा होगी और बच्चे को नुकसान दे सकती हैं, तो बेहतर है कि आप ऐसी क्रीम्स इस्तेमाल ही ना करें जिससे आपके बच्चे को कल गला को नुकसान हो। कंसर्न की बात तब होती है जब आपके बच्चे को ट्रीटमेंट के बावजूद भी आराम नहीं आ रहा और रैश की जगह पर पस पड़ गई है, साथ में रैश की जो रेडनेस है वो कम होने के बजाय मजीद ज़्यादा हो रही है, और तीसरी चीज़ ये है कि उसको इसके साथ बुखार भी हो गया, तो ट्रीटमेंट फिर आप डॉक्टर के पास लाजमी जाएँ बजाय इसके कि आप घर पर रह के उसका ट्रीटमेंट करें। हम जिस नतीजे पर पहुंचे हैं वो ये है कि पहली बात है कि डायपर इस्तेमाल ही ना करें, अपने करने भी है तो जिंक ऑक्साइड या पेट्रोलियम जेली लाजमी इस्तेमाल करें, और अपने बच्चे के जेनिटल एरियाज़ को सही से साफ रखें, फ्रीक्वेंटली डायपर चेंज करें और स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल ना करें। अगर इन सब के बावजूद भी आपके बच्चे को रैशेज़ नहीं जा रहे तो आप डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।